देखिए एक देहाती कहावत है कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। आज हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज कई कार्यक्रम हैं, इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले दो चार शब्दों में इस त्यौहार को बताने के लिए इस स्कूल के प्राचार्य मिस्टर सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दो चार शब्द आपके बीच में रखें। आदरणीय शिक्षक महोदय, आज डॉक्टर राधा कृष्ण जी के शुभ अवसर पर उनकी याद में आज मनाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे लोग सदियों में एक आध पैदा होते हैं, उनके पैदा लेने की जरूरत है, इसलिए कि उनका जीवनी कैसा है, चलना फिरना कैसा है, पढ़ना कैसा है, अपने समय को बैटरी करना कैसा है, तो ये सब प्रेरणा लेने की बात है। और ऐसे ऐसे लोग जो है हजारों सैकड़ों साल में एक बार पैदा होते हैं, जिसके लिए कहा गया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। ऐसी शख्सियत ज्यादा कदा पैदा होती है, जिस में आज हम लोग उनकी याद में हम लोग एकत्रित हैं, सारे बच्चे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरी कामना है कि उनसे प्रेरणा लेकर हमारे भी बच्चे भी भविष्य में अच्छा करें, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इस स्कूल के सीनियर मोस्ट टीचर रत्नीजय सर के पास। दो चार शब्दों में लोग अपनी बात को रखेंगे जिससे आप लाभान्वित होंगे। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ, जन्म हुआ, वे बाद में जाके शिक्षक बने, उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। एक महान शिक्षक थे और बाद में जाके प्रोफेसर भी बने, वे दर्शन शास्त्र प्रोफेसर थे और मैं संचार भारतीय ओर से राजदूत बने। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए और बाद में द्वितीय राष्ट्रपति भी बने, और उनका कहना था कि आदमी पूजा करता है कुछ पाने के लिए, आप करता तो कि पूजा करे, बच्चों पढ़ाई करे, अपना करता तो क्या पालन करे। जय हिंद, जय भारत। सर आप निकलिए, 5 मिनट काफी। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, हमारे पीछे पंकज कुमार शर्मा सर भी आ गए हैं। एकदम सर 5 मिनट में मैं प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ। देख ही रहे हैं जो भी हमारे चाहने वाले हैं, देख रहे हैं कि आज का दिन कितना जो है, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, पूरे अल्टन पल्टन के साथ हम लोग पहुंच जाएंगे। अब सीधे सीधे मैं आपको ले चलता हूँ आचार्य महाराज तिवारी सर के पास, जिनके वक्तव्य से आप लोग अपने जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए सीधा सीधे सर के पास ले चलते हैं, उनको हम जानेंगे समझेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय MPS, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में छात्र और शिक्षकों के बीच का संबंध बहुत पुराना रहा है। आध्यात्मिक काल में हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रहा है, जिसे हम गुरु पर्व के रूप में जानते हैं। बाद में चलकर जब हमारा देश आजाद हुआ और भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे उप राष्ट्रपति बनने से पहले एक शिक्षक ही थे, और शिक्षक के कल्याण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों से उनका बहुत प्रेम था और शिक्षकों की स्थिति को देखकर वो द्रवित हुए और शिक्षकों के लिए सारा जीवन वो जिए। उन्होंने
अपने जीवन काल में शिक्षकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, जिसका कारण हुआ कि हमारा देश समृद्ध हुआ, हमारे देश के शिक्षक समृद्ध हुए और आज हम यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए हम उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। हम लोगों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा वो शिक्षक बने रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। कल आपका विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है ना मिश्रा सर? हेलो, माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस है। प्रति वर्ष 1962 से आज तक 5 सितंबर मनाया जा रहा है। हर 5 तारीख को यह सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आप जानते हैं कि इनके गांव से कितना लगाव था कि अपने नाम के पहले गांव का नाम लगा दिए, और इनका जन्म तमिलनाडु के में हुआ था 1888 1907 में इन्होंने कला स्नातक दर्शन शास्त्र पठन श्रेणी में पास किए, और 1909 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में प्राध्यापक बने दर्शन शास्त्र में। बाद में एमए किया। 1954 में इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच्चों में कला तो है, कैसे बात को विराम लगवाना है। जबरदस्ती ताली लगा करके फिर भी सलाम है आपकी सोच को, और सर आपके व्यक्तित्व को मेरा सलाम है। हमारे सर गुरु हैं और बहुत गहराई वाली बात चाहिए बच्चों। उसी के साथ बात को विराम लगाना चाहिए। विराम लगाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, जीवन में अच्छा करें, अच्छा पढ़े, अच्छा बने। और चूंकि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, बिना उनके ज्ञान को संभव ही नहीं है, और बात को विराम लगाएंगे। विराम लगाने से पहले आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा, बात को समझ जाइए कि मेरी बात को भी सब ऐसे खत्म करने पर। लेकिन चलिए फिर मिलते हैं अगले साल। ये देखिए लिखा हुआ है टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। प्लीज थोड़ा सा फोटो खींचा ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों ने किस तरीके से इसको वर्क किया है, मेहनत किया है। इस तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए। बात विराम लगाते हैं। जय जवाहर।